नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत निराला नगर में रहकर बीबीएस स्कूल की कक्षा 12वीं के विद्यार्थी ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। हम आपको बता, बालक बोलता बैकुंठपुर थाना अंतर्गत तिलखन का रहने वाला था। पढ़ाई के दबाव को नहीं झेल पाया, डिप्रेशन के चलते उसने इस तरह 17 साल के बालक ने तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली। बालक कक्षा 12वीं का विद्यार्थी था, तिलखन थाना बैकुंठपुर का रहने वाला था। रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत निराला नगर वार्ड 9 में रहकर बीबीएस स्कूल में कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहा था। परिजनों की माने तो डिप्रेशन की वजह से उसने ये कदम उठाया। हम आपको बता दें, अखिल सिंह पिता देवेंद्र सिंह उम्र 17 साल तिलखन थाना बैकुंठपुर के रहने वाले थे। रीवा में विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत निराला नगर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जनवरी आधी से ज़्यादा खत्म हो गई, कक्षा 12 की तैयारी बेहतर तरीके से शायद नहीं हो पाई थी। निकट भविष्य में मार्च में परीक्षा की तैयारी, परिजनों की माने तो डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही था। बीती रात भी टीवी देख रहे थे, उसी दौरान घर से निकले और नज़दीक ही तालाब में पहुँच गए, जहाँ सुबह उनका मृत शरीर बरामद किया गया। परिजनों की माने तो 12वीं की तैयारी करते समय थोड़ा परेशान भी थे, डिप्रेशन ज़्यादा था, पढ़ाई का दबाव अखिल नहीं सह पाए, तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली। माना जा सकता है बच्चों में इस समय पढ़ाई का अत्यधिक दबाव है, फर्स्ट आने का नहीं, कक्षा में टॉप करने का, 100 में 100 नंबर लाने का। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है उसको देखते हुए हाल के दिनों में ये दबाव बच्चों के बीच में साफ तौर से देखा जा सकता है, जिसे कुछ बच्चे नहीं सह पाते और इस तरीके का कदम उठा लेते हैं, जिसके चलते पूरे परिवार को जिंदगी भर उनकी याद में रोना पड़ता है, पूरा परिवार डिप्रेशन में चला जाता है। खास तौर से पढ़ाई की हम बात करें तो जैसे जैसे फरवरी मार्च का वक्त आएगा, बच्चों के बीच में साफ तौर से टेंशन नज़र आएगा। कुछ परिवारों में बच्चों के साथ पेरेंट के बीच में भी यह तनाव साफ तौर से देखा जा सकता है। हम अखिल की बात करें तो पढ़ाई में ठीक थे, बस अव्वल आने का झगड़ा था जिसे अखिल नहीं झेल पाए। हमारी टीम ने अखिल के परिजन से बात की जब वो संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में मौजूद थे। अखिल के पंचनामे की कार्रवाई में मौजूद थे। अखिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। अखिल के परिजन भी साफ तौर से कहते हैं, सब कुछ बेहतर था, घर में किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं थी। पिता समृद्ध कृषक, घर में घी दूध की कोई कमी नहीं। रीवा में रहकर किराए का मकान लेकर बस पढ़ाई कर रहे थे। रीवा के बीबीएस स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थी थे। ना जाने क्या हुआ, किस तरीके से वो डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने ये कदम उठा लिया। सुनिए उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। क्या हो गया, कैसे मृत्यु हो गई? ये शाम को 6:30 बजे घर से निकला, दादी को टीवी बोला कि दादी देखिएगा 10 मिनट से, मैं दोस्त से मिलकर आता हूँ। 1-1.5 घंटे न मिलने पर उसकी खोज बीन गई कि कहाँ गया। मोबाइल चूँकि घर में ही रख गया था, एक बैग बस और एक बुक्स लेके गया था। तालाब तरफ गया, 9 बजे करीब हम लोग गए तो वहाँ पर सीढ़ी में बैग रखा मिला और नीचे तालाब में स्लीपर उतरा हुआ और आगे पाँव का निशान सिंगल इसी बस का मिला। इसके बाद 100 नंबर डायल किया गया, पुलिस आई, रात को रिपोर्ट करवाया गया और इसके दोस्तों से भी संपर्क किया गया, कहीं किसी कोई लोकेशन इसका नहीं मिला। सुबह फिर थाने पहुँचे 6 बजे, फिर ये गोताखोर आए और ये निकाले सब लोग। किसी पे कोई शक? कोई शक नहीं। आपका नाम? महेंद्र पाल। आपके कौन थे? ये भतीजा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।